very very good morning to all students <clears throat> next we discuss the definition of cross cut we discuss the definition of simply connected region and multi-connected region in previous videos next uh, definition cross cut in this definition we prove the theorem kochi fundamental theorem or kochi-cursat theorem आई होप ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर द थ्योरम कोचिग और सट थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन इन टू डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर चुके क्या बताया था सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन ये कोई भी कर्व है अपना सी ठीक है इसके अंदर ये जो रीजन है ये आर है ठीक है अब इस रीजन आर के अकॉर्डिंग कोई भी कर्व ये ले लिया गामा कर्व है ठीक है तो किसी भी रीजन में कोई भी कर्व यदि किसी एक पॉइंट पर इसको क्रॉस किए बिना रीजन आर को क्रॉस किए बिना रीजन आर सॉरी ये कर्व को क्रॉस किए बिना किसी एक पॉइंट पर स्रंग करें तब रीजन आर सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाता है अ रीजन इन विच एवरी क्लोज कर्व अ रीजन ये कोई भी रीजन है इसमें कोई भी क्लोज्ड कर्व है ठीक है अ रीजन इन विच एवरी क्लोज्ड कर्व कैन बी स्रंग टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग थ्रू द कर्व सी देन द रीजन इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड रीजन अदरवाइज द रीजन इज कॉल्ड मल्टी कनेक्टेड रीजन ठीक है जैसे ये अपना कर्व सी वन है ठीक है ये कर्व कोई भी कर्व सी टू की वन है ठीक है अब ये कोई भी अपना कर्व ले रहे हो गामा ठीक है अब ये जो कर्व है ये किसी भी पॉइंट पर श्रंग करेगा ठीक है ये जो कर्व है ये किसी भी पॉइंट पर श्रंग करेगा मीन्स ये छोटा छोटा होता होते 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 किसी एक पॉइंट पर आएगा तो ये इस कर्व से पास हो रहा है ठीक है सी टू कर से पास हो रहा है ये तो इस केस में ये जो रीजन है अपना ये मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाएगा ठीक है ये सिंपली कनेक्टेड रीजन होगा और ये मींस ये है कि जो भी कर्व है उसको उससे पास नहीं होना चाहिए इसमें ये जो है ये कर्व किसी पॉइंट पर स्ट्रंग करेगा तो वो इस कर्व से पास हो रहा है तो इस केस में ये मल्टी कनेक्टेड रीजन होगा और ये सिंपली कनेक्टेड रीजन ठीक है डेफिनेशन आप लोगों को बता दिया था नेक्स्ट है क्रॉस कट इसमें डेफिनेशन देखो क्या है क्रॉस क्रॉसकट लाइंस दोज लाइंस ड्रॉन इन मल्टी कनेक्टेड रीजन किसी भी मल्टी कनेक्टेड रीजन में कोई भी लाइन जो ड्रॉ की गई है वो क्रॉस कट कब कहलाएंगी जब ये किसी भी कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करें और मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर दें लाइंस ड्रॉन इन मल्टी कनेक्टेड रीजन सेट टू बी क्रॉस कट इफ़ इट नॉट इंटरसेक्ट टू एनी कर्व एंड कन्वर्ट मल्टी कनेक्टेड रीजन टू सिंपली कनेक्टेड रीजन जैसे यहां पर कोई भी मल्टी कनेक्टेड रीजन लो ये अपना कर्व है ठीक है जैसे इसको सी ले लो ये डायरेक्शन हो गई इसकी कर्व सी ठीक है ये एंटीक्लोकवाइज डायरेक्शन होती है कर्व सी जो है वो एंटीक्लोकवाइज डायरेक्शन में ठीक है एंटी क्लोक वाइज डायरेक्शन क्योंकि अपनी जो वॉच है उसकी डायरेक्शन ये होती है क्लोकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी डायरेक्शन अब इसमें कर्व लें जैसे ये कोई कर्व ले लिया ये कोई कर्व ले लिया ठीक है इसमें कोई भी डोमेन जी गिवन है ठीक है ये कोई भी डोमेन चीज जो है वो लाई करेगा इन कर्व्स के मिड में ठीक है तो यहां पर ये कंडीशन है कि जो भी कर्व लाई कर रहे हैं कर्व सी के अंदर ये सी है इसको सी वन ले लो इसको सी टू ले लो ठीक है तो ये डायरेक्शन जो है वो देखो डायरेक्शन अभी क्रॉस कट लाइंस के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये C1 वन करो और ये C2 टू करो अब इसमें G जो है कोई भी डोमेन G ये तो करव सी हो गया ये रीजन R हो गया ठीक है कोई भी डोमेन G की यदि बात करें इसमें तो ये G जो है वो इन कर्व के अंदर लाई करेगा ठीक है अब G के अकॉर्डिंग यदि ये किसी पॉइंट पर स्ट्रंग करेंगे तो उस डोमेन जी से पास होंगे ठीक है इसमें भी वो ही है कि डोमेन जी से पास होंगे तो इस केस में ये जो है ये मल्टी कनेक्टेड रीजन अपना कहलाएगा ठीक है अब इसमें लाइंस अपना ये जैसे क्रॉस कट लाइंस इस तरह से ले लें ये लाइंस ले ली ठीक है ये क्रॉस कट लाइंस, ये लाइंस ले ली इस तरह से इन लाइंस के द्वारा इन कर्व को, कर्व से कनेक्ट कर दिया ठीक है इस कर्व को भी इस कर्व सी से इस लाइन से कनेक्ट कर दिया अब ये लाइंस जो हैं ये है ये क्रॉस कट लाइंस कहलाती हैं पार काट हिंदी में कहो इनको पार काट रेखा क्रॉस कट लाइंस तो ये लाइंस क्रॉस कट लाइंस कहलाती हैं देखो अब इसमें डायरेक्शन कैसे लोगे ये कर्व सी की डायरेक्शन है ठीक है ये है डायरेक्शन तो इसमें ये इस तरह से लो ठीक है ये डायरेक्शन इस तरह से लो इस तरह से फिर ये फिर ये फिर इस लाइन से होते हुए इधर 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 ये ऐसे ये डायरेक्शन दा, दा, लो इसके डायरेक्शन ये लो ये इस तरह से और फिर ये देखो ये ठीक है तो ये अपना एक चैन बन गया इधर से ये ये फिर इधर ये होते हुए इसी के अकॉर्डिंग ये इधर इधर होते हुए ये लाइन वापस से कर उससे ठीक है यहाँ पर ये वापस से आ गया तो इसमें इसका मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि ये लाइंस जो हैं ये एक तो कर को इंटरसेक्ट नहीं कर रही ठीक है कट नहीं कर रही हैं ये भी लाइंस जो हैं वो इसको कट नहीं कर रही हैं ठीक है फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पे इन लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट टू एनी कर ठीक है जो भी लाइन्स हैं क्रॉस कट लाइन्स हैं वो कर को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए और ये मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करना चाहिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं देखो अब ये जो डोमेन डी था वो कर के अंदर लाई कर रहा था तो कर के अंदर लाई करेगा और तो ये श्रंक करेगा किसी भी पॉइंट पे तो वो जी से पास होगा ठीक है जी से पास होगा मीन्स मल्टी कनेक्टेड रीजन हो गया ठीक है अब जी तो इनके मिड में है लेकिन इन इन लाइंस के अकॉर्डिंग इन लाइंस से कर्व सी से इसको कनेक्ट कर दिया तो उस केस में ये जो है अपना कर्व जो है वो सी से पास होता हुआ आर एस फिर ये डायरेक्शन ये इधर होते हुए इधर होते, होते हुए ये इस तरह से पास होता हुआ इधर से इधर से इधर से और ये इस तरह से अपना कर्व हो रहा है मीन्स ये जी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है ठीक है तो ये अपना कर्व इस तरह से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बन रहा है तो इस केस में मल्टी कनेक्टेड रीजन जो है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो यही डेफिनेशन है यहां पर कि ये लाइंस जो हैं ये क्रॉस कट लाइंस कहलाएंगी ठीक है जैसे इसमें यही है देखो ये कर्व लिए हुए हैं सी वन सी टू सी थ्री इनको इन लाइंस के अकॉर्डिंग सी से जोड़ दिया तो इसमें यही है कि मल्टी कनेक्टेड रीजन जी इन कर्व्स के मिड में स्थित है ठीक है इसमें ये सभी लाइंस जो हैं इनको सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग हमने ये एरिया ले लिया ठीक है बाउंड्री लेते हुए सभी की तो ये जो है वो इस तरह से अपना बन रहा है ठीक है ये इस तरह से जैसे ये है ये है इस तरह से ये इधर आते हुए इधर ये, इस तरह से ठीक है तो ये अपने जो हैं पी क्यू आर एस और ए बी ये क्रॉस कट लाइंस यहाँ पर कहलाती हैं ठीक है थीके? तो हिंदी में जिसको भी नोट करना हो तो वो ये डेफिनेशन यहाँ से नोट करेंगे ठीक है नेक्स्ट इसमें अपने थ्योरम आती है कोसी प्रमेय का बहु संबंधित प्रदेश के लिए विस्तार एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन कोची थ्योरम का एक्सटेंशन है किस रीजन के लिए मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है इसमें यही है कि कोई भी क्लोज्ड कर्व सी है तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कर्व सी के अंदर जो जो कर्व लाई कर रहे हैं उनके सम के इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी वन एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू एफ टू एफ सी टू एफ जेड प्लस में लिया गया है 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 ठीक ये जो direction है, उस डायरेक्शन में यहां पर ये इसको लिया गया है तो इसमें यही दिया हुआ है सी बी आर क्लोज कर्व सी कोई भी क्लोज कर्व है एंटीक्लोकवाइज डायरेक्शन है उसकी एंड सी वन सी टू आर एंड सोन आर द द्लोज कर विच लाई इन साइड सी सी के अंदर सी वन सी टू सी थ्री कर्व्स है इफ अ फंक्शन जेड इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन दीज कर्व्स ऑन सी फंक्शन जेड जो है वो एनालिटिक है सी के अंदर का जो रीजन है उसमें तो इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड डी जेड जो है वो इसके इक्वल होगा ठीक है तो सबसे पहले तो इसमें जो मल्टी कनेक्टेड रीजन है उसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में चेंज करने के लिए कोई जो भी कर्व्स ले रहे हो सी वन सी टू सी थ्री एंड सोन जितने भी कर्व ले रहे हो उन सबको क्रॉस कट लाइन से कर्व सी से कनेक्ट कर दोगे ठीक है तो उसमें मिड से कोई रिलेशन नहीं रहेगा मिड मिड में जो डोमेन जी लाई कर रहे है उससे कोई उसमें फिर अपना सिंपल कर्व आ जाएगा लाइन्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा तो इसमें सबसे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट क्रॉस कट लाइंस बनाते हैं ठीक है ताकि अपने को एक कर्व इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा जैसे ये है ये कर्व सी है इसकी डायरेक्शन ये है तो ये इधर से इधर आओगे ऐसे 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 और ये इस तरह से लेते हुए ऐसे और फिर इससे 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 और यहाँ पे आ जाओगे ठीक है तो ये जो कर्व बन रहा है मीन्स यहां से क्या कहोगे कर्व कौन सा बन रहा है यहां से सी पी क्यू फिर ये सी टू ले लो इसको इधर से लेते हुए ये जो कर्व बन रहा है इसको गामा सपोज करेंगे ठीक है देखो कैसे प्रूव करोगे इसको देखो थ्योरम के प्रूव के लिए सबसे फर्स्ट लेट सी बी आ क्लोज कर्व और इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है ठीक है क्लोक डायरेक्शन ये होती है अपनी अब ये सी कोई भी क्लोज्ड कर्व है इसके अंदर सी वन सी टू एंड सोन ये सभी क्लोज्ड कर्व हैं जो सी के अंदर लाई कर रहे हैं सी बी आ क्लोज कर्व एंड सी वन सी टू अप टू सी एन ऑल्सो क्लोज्ड कर्व लाई इन साइड सी ठीक है अब ये क्लोज्ड कर्व है ठीक है इनको क्रॉस कट लाइन्स के अकॉर्डिंग सी से कनेक्ट कर दिया ताकि मल्टी कनेक्टेड रीजन सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो जाए ठीक है तो ये क्रॉस कट लाइंस हो गई पी क्यू और आर एस अब ये डायरेक्शन सी की इस तरह से तो सी फिर पी क्यू और ये e, इसकी डायरेक्शन ये लेते हुए इधर आ जाओ इसकी डायरेक्शन ये लेते हुए इधर लेते, लेते, लेते हुए ये लेते हुए ये लेते हुए और ये इस पर आ जाओ तो ये अपना क्लोज कर सी की डायरेक्शन बन गई उसके अकॉर्डिंग जो जिस तरह से डायरेक्शन लेते हुए इसको लिया है उसको गामा कर्व ले लिया ठीक है गामा जो है वो क्लोज करोज कर्व सी बाई क्रॉस कट लाइन्स पी क्यू एंड आर एस सस दैट वी फाइंड कर्व गामा इन दिस कर्व द फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन दर्व ऑन सी जो फंक्शन एप चैट है वो सी के अंदर है ओम ऊपर एनालिटिक फंक्शन है ठीक है अब फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है देन वी यूज हेयर कोची गुरसेट थ्योरम और कोची फंडामेंटल थ्योरम कोची फंडामेंटल थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर्व क्लोज कर जो गामा बन रहा है अपना उसमें फंक्शन एप जेड एनालिटिक फंक्शन है देन वी से दैट इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो ठीक है यहाँ पर इसके डायरेक्शंस को मेंशन किया है कि पाथ ऑफ इंटीग्रल आर टेकन एच कर्व सी के अकॉर्डिंग एंटीक्लोकवाइज डायरेक्शन में लिया है अपना इंटीग्रल ठीक है और सी uh, वन और सी टू सी की डायरेक्शन ये है देखो सी वन की डायरेक्शन ये है C2 की डायरेक्शन ये है तो ये क्लोकवाइज डायरेक्शन है तो अंदर जो क्लोज कर्व है C1, C2 टू एंड सोन, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लोकवाइज डायरेक्शन में ली गई है और ये पी इसकी डायरेक्शन तो इस तरह से है ठीक है पी और फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये पी क्यू मतलब इसको पूरे को लिया है ये जो लाइन ऐसे बना रहे हो तो ये पूरा ये पी क्यू तो ये क्यू पी हो जाएगा ठीक है ये पी क्यू पी क्यू और फिर ये इधर से आते हुए क्यू पी तो थोड़ा पास भी बना सकते हो इसको इसी तरह से ये आर एस और एस आर तो पी क्यू की डायरेक्शन ये है क्यू पी की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी ठीक है इसी तरह से आर एस की डायरेक्शन ये है ठीक है आर एस की डायरेक्शन ये हो गई और फिर एस आर की डायरेक्शन ये हो गई अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो उसी को यहाँ पर मेंशन किया है कि क्रॉस कट पी क्यू फर्स्ट डायरेक्शन एलोंग टू पी क्यू एंड सेकेंड डायरेक्शन अलोंग टू क्यूपी तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई एक को पॉजिटिव लोगे तो सेकेंड को नेगेटिव लोगे ठीक है ये ये एंटी क्लोग वाइज डायरेक्शन में है और ये क्लोक वाइज डायरेक्शन में है तो ये भी जैसे सी की पॉजिटिव लोगे तो सी वन और सी टू की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव लोगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों की एक ही डायरेक्शन नहीं है अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की तो अब देखो इसको गामा जो कर्व है उसको डिवाइड कर सकते हो किस किस में डिवाइड करेंगे कर्व सी में सी वन सी टू पी क्यू आर एस ठीक है क्रॉस कट लाइन जो है तो इन सब के अकॉर्डिंग इस टर्म को किस तरह से डिवाइड करके रिप्रेजेंट करोगे वो देखो तो इस गामा को डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड प्लस डायग्राम के अकॉर्डिंग लोगे पी क्यू क्रॉस कट लाइन जो है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस अब देखो सी का जो है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है एंटी क्लोगवाइज डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लिया है तो सी वन का नेगेटिव हो जाएगा तो इसमें माइनस सी वन लोगे एफ जेड डी जेड प्लस पी क्यू हो गया अब क्यू पी आएगा क्यू पी एफ जेड डी जेड प्लस क्यू पी के नेक्स्ट आ जाओ आर एस आर एस एफ जेड डी जेड प्लस माइनस सी टू एफ जेड डी जेड प्लस इससे देखो इजीली बता सकते हो ये सी की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हो तो इसकी नेगेटिव हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी ठीक है माइनस सी वन और माइनस सी टू और ये C हो गया फिर पी क्यू ले लिया माइनस सी वन ले लिया क्यू पी हो गया फिर इस पे आ जाओ आर एस हो गया माइनस सी टू और फिर एस आर आर एस माइनस सी टू हो गया और इसके नेक्स्ट एस आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो ठीक है पी क्यू और क्यू पी ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे इसी तरह से आर एस और एस आर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से पी क्यू एच एट इज रहने तो ठीक है ये माइनस सी वन है तो माइनस को ले लो यहाँ पर और ये सी वन है टी चेंट हो जाएगा क्यू पी है इसको पी क्यू में चेंज करते हो तो साइन माइनस हो जाएगा ठीक है पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू पी वही डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लो तो क्यू पी को पी क्यू में चेंज करोगे तो ये माइनस हो गया एफ जेड डी जेड ठीक है प्लस एस आर एफ जेड डी जेड माइनस सी टू एफ जेड डी जेड और एस आर है तो इसको आर एस में चेंज करोगे तो साइन माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे और यहां से इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू ठीक है इसमें डॉट डॉट और लगा लेना आगे और भी क्लोज कर जो हैं वो, C1, C2 है वो सी वन सी टू लिए तो सी थ्री सी फोर एंड सोन के लिए डॉट डॉट लगा के इसको यहां पर छोड़ दो इंटीग्रेशन सी वन एफ डी प्लस सी टू एफ जेड डी जेड प्लस एंडसॉन ठीक है तो थ्योरम में अपने को यही प्रूव करना था तो ये थ्योरम अपनी कंप्लीट हो गई